नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्धुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडतियो चिन्ता सन्ता सन्तारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्ता निजाचार्यान् प्रणमामि गुरुम् यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्तवां सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभमन्दिरम् अज्ञानतिविरान्त श्रीज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं वेदितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के उत्सव की श्री अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के प्रागट्य उत्सव की आप सभी वैष्णव जनों को खूब खूब बधाई एवं आशीर्वाद। वैष्णव, आज का दिवस बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही मंगल दिवस है। आज ही के दिन सभी वैष्णवों को, सभी बिछड़े हुए जीवों को प्रभु से जोड़ने के लिए, सभी वैष्णवों के जीवन को कृतार्थ करने के लिए श्री ठाकुर जी की आज्ञा से महाप्रभु जी का भूतल पे आज के दिवस प्रागट्य हुआ। वैष्णव, श्री महाप्रभु जी ने हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है कि अव्याव्रतो भजेत कृष्णं भूजया श्रवणादि भी। आज के परिपेक्ष में जब अधिकांश देश लॉकडाउन या तो कर्फ्यू में है, हम सभी लोग अपने घरों में हैं, हमें श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल बने, हमारा वैष्णव जीवन सफल बने। कई प्रश्न आए कि हम ऐसा करें तो करें क्या कि जिससे हमारा वैष्णव जीवन सफल बने। वैष्णव, आप प्रभु की सेवा करो, क्योंकि भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर्नान्यथा भवे। इस पूरी वैष्णव सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की सेवा करना, कृष्ण सेवा करना। वैष्णवों, अधिकतर लोगों को शंका होती है, साथ ही साथ शिकायत होती है कि हम सेवा तो करना चाहते हैं, हम कीर्तन तो करना चाहते हैं, हम पठन पाठन तो करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते, हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ से समय नहीं मिलता। वैष्णव, आज आप सब घर पे हैं, आप शोरूम नहीं जा रहे, आप फैक्ट्री नहीं जा रहे, आप दुकान नहीं जा रहे, आप ऑफिस नहीं जा रहे, आप घर पर हैं, और यही समय है कि आप के वैष्णव जीवन को सफल बनाए, आप के हाथ सेवा में पवित्र करें। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं आपकी वृत्ति में, ऐसी कोई भी वस्तु या क्रिया जिससे प्रभु की सेवा में अर्चन बाधा उत्पन्न होती हो, ऐसी हर वस्तु का या क्रिया का त्याग कर देना चाहिए। आज जब हम सब अपने घरों में हैं, तो हमारे पास खूब समय है, हमको इस समय को एक सकारात्मक दिशा में उपयोग करना चाहिए, प्रभु की सेवा में उपयोग करना चाहिए, जिससे हम सफलता की ओर बढ़ सके। वैष्णवों, आप इस समय प्रभु की सेवा करें, श्री ठाकुर जी की सेवा करें, कीर्तन करें, पुष्टि मार्गी ग्रंथों का पठन पाठन करें, जिससे निश्चिंत ही आपकी भक्ति में, आपके भाव में वृद्धि होगी। पाणिनी सूत्र में, पाणिनी व्याकरण में बताया जाता है कि भज सेवायाम, भज धातु जो है वो सेवा के अर्थ में उपयोग किया जाता है। आप सेवा करें, आप कीर्तन करें, भले आपको सुर आता हो कि नहीं आता हो, सुर लगते हो कि नहीं लगते हो, राग का ज्ञान हो कि ना हो, ताल का ज्ञान हो कि ना हो, आप सेवा करें, आप कीर्तन करें, आप पुष्टि मार्गी ग्रंथों का पठन पाठन करें, और आप देखिए अगर आप इस सबको नियमित रूप से करते हैं, तो जब तक लॉकडाउन खत्म होगा, आपकी जो पुरानी समस्या थी कि समय नहीं मिलता, वो समस्या ही खत्म हो जाएगी, आपका दिल प्रभु की सेवा में चोट जाएगा। आप प्रभु की सेवा में फिर जब आप जाएंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपका वैष्णव जीवन सार्थक हुआ, सफल हुआ।
वैष्णव, इस समय आपन अपने अलौकिक और लौकिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने भक्ति के ग्राफ को, अपने भाव के ग्राफ को, अपनी सक्सेस के ग्राफ को ऊपर बढ़ा के सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत रिमार्केबल एग्जांपल देता हूं। जब महान फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर आइज़ैक न्यूटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब अभी की भांति एक पेंडेमिक फैली, प्लेग फैला, और इसके चलते अथॉरिटीज ने उनको उनके घर भेज दिया। और जब वो अपने घर में थे, लॉकडाउन में थे, तब उनने अपने समय को सकारात्मक रूप से उपयोग किया और उनने कैलकुलस और लॉस ऑफ मोशन का आविष्कार किया, जिससे उनका पूरा जीवन सफल हुआ। फिजिक्स को समझने में आसानी हुई, साथ ही साथ उनकी यश और कीर्ति हुई। वैष्णव, हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं पेंटिंग सीखूं, मैं ड्राइंग सीखूं, मैं स्केचिंग सीखूं, मैं प्रोग्रामिंग सीखूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूं, पर हर किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। ये वो समय है जब आप उन इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप इस लॉकडाउन को भले किसी भी रूप में आया, आपके पास इतना समय है, आप इसे सार्थक रूप से उपयोग करें। आप उन सब कलाओं को सीखें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि जब आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे लगेंगे, इस समय पे आप नए नए स्किल्स सीखेंगे, प्रभु की सेवा में जाएंगे, तो आपका जीवन सफल होगा। और नियमित रूप से इसे करने पे जब आप लॉकडाउन से बाहर आएंगे, तो आपको खुद में एक अलग ही कुशलता की, एक अलग ही क्रिएटिविटी की अनुभव होगा। वैष्णवों, मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप अपने इस जीवन को इस क्रिएटिव बनाएं, सफल बनाएं, और इस लॉकडाउन के पीरियड को सही तरीके से सकारात्मक क्रिएटिव वे में उपयोग करें, और अपने भक्ति के ग्राफ को, भाव के ग्राफ को, सक्सेस के ग्राफ को ऊपर बढ़ाएं, और लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में सक्सेस को प्राप्त करें। खूब खूब शुभ आशीर्वाद।